कल रात को एक नया एक्सपीरियंस हुआ हम लोग को। HDFC का जो इन्फिनिया मेटल कार्ड है वो यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे वो सब जगह पे एकदम ठीक से चलता है, रेट भी अच्छा मिलता है। लेकिन यहाँ के ATM में मैंने पहली टाइम कोशिश की, सोचा कि देखता हूँ थोड़े पैसे निकाल के चल रहा है कि नहीं, तो ATM ने पूरा कार्ड निकल लिया और डकार भी नहीं दिया, तो कार्ड फंस गया ATM के अंदर। और हम लोग ने उधर पूछा कि क्या कर सकते हैं, तो ऑफिस सब बंद थे, बोले कि कल सुबह ही कुछ कर सकते हैं। तो आज जाके देखते हैं कि क्या हुआ, कार्ड मिलेगा कि नहीं। ये HDFC इन्फिनिया कार्ड का डिज़ाइन थोड़ा अलग बनाया है, ये नॉर्मल कार्ड से थोड़ा मोटा है, तो पता नहीं क्यों ऐसा डिज़ाइन बनाया है जो ATM के अंदर फंस जाता है। तो ATM ऐसे ATM के अंदर कार्ड मत डालो जिसमें पूरा कार्ड अंदर चला जाता है। आधा कार्ड अगर बाहर रहता था तो हम लोग इजीली खींच के निकाल सकते थे, लेकिन अभी पूरा कार्ड अंदर गया है, तो देखते हैं। उसके बाद ATM ऐसे बोल रहा था कि ATM के स्क्रीन पे ऐसे थैंक यू, ATM ऐसे बोल रहा था स्क्रीन पे कि ATM टेम्पररीली आउट ऑफ ऑर्डर और कार्ड अंदर ही था, तो देखते हैं क्या होता है। तो ये वाली ATM में चला गया था कार्ड, तो मैंने यहाँ पे क्रुमश्री बैंक में आके इन्होंने कॉल सेंटर को कॉल लगाया और उसने मेरा पूरा डिटेल्स नोट किया कि कहाँ पे गया था क्रेडिट कार्ड और ये सब। अभी एक दो दिन में कांटेक्ट करेंगे, देखेंगे कार्ड मिलता है कि नहीं। तो हम लोग स्विमिंग कर रहे थे और क्रुमश्री बैंक से फ़ोन आया कि आप लोग का मेरा क्रेडिट कार्ड मिल गया है, तो हम लोग अभी बैंक जाएंगे क्रेडिट कार्ड लेने के लिए। लेकिन क्रेडिट कार्ड अगर आपका किसी अलग साइज़ का है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइज़ का है या फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिकनेस का है या फिर अलग मटेरियल का है, जैसे कि मेटल कार्ड या कुछ अलग टाइप का कार्ड है, तो ऐसे पूरा अंदर चला जाता है कार्ड, ऐसे वाले ATM में उसको मत डालो, या फिर पहले कुछ दूसरा कार्ड ट्राई करके देखो कि सेफ़ है कि नहीं, या फिर कुछ मशीन्स में सिर्फ आधा कार्ड अंदर जाता है और फिर यूज़ कर सकते हैं, ऐसे वाले मशीन ट्राई करो। और एक पॉइंट है कि आपके होटल से दूर या किसी रेलवे स्टेशन पे या फिर दूर कहीं पे भी ऐसे वाले ATM मत यूज़ करो, हो सके तो आपके होटल के नज़दीक या फिर होटल में ही लॉबी में ATM मशीन रहता है वो वाला ही यूज़ करो, तो अगर कार्ड फंस भी गया तो ईजीली मिल सकेगा। हम लोग ने क्रुमश्री बैंक में जाके इनको रिक्वेस्ट किया, तो इन्होंने पूरा अच्छे से केस लिख लिया और कौन से कलर का कार्ड है, कौन से कंट्री का है, कौन से बैंक का है, किसका है, ये सब इन्फॉर्मेशन लिया और प्रॉम्प्टली एक दिन में इन्होंने कार्ड फाइंड आउट करके हम लोग को फॉलो अप किया। अभी हम लोग मैं स्विमिंग कर रहा था तो 5 मिस कॉल आए थे इन लोग के, लेकिन इन्होंने फिर भी कॉल करके मेरे को इन्फॉर्म किया कि कार्ड मिल चुका है। तो इतना अच्छा सर्विस है और इतना प्रॉम्प्ट रिप्लाई है इनका, एक बैंक के लिए एक नॉन कस्टमर को इतना अच्छा सर्विस देना, जस्ट अमेजिंग। तो सेंट्रल वर्ल्ड मॉल में क्रुमश्री बैंक में हम लोग आ गए और यहाँ से क्रेडिट कार्ड मिल गया फाइनली। तो इतना सिस्टमेटिक प्रोसेस था इन लोग का, पहला मेरा पासपोर्ट दिया, देखा, पासपोर्ट चेक किया ठीक से एकदम, सब वेरीफाई किया डिटेल्स, और मेरा क्रेडिट कार्ड मेरे को ही मिल रहा है ना, किसी और को नहीं दे रहे हैं, ये सब वेरीफाई किया, मुझसे मेरे से एक साइन करके रिसीट लिया और इनका फॉर्मेट पूरा रेडी था कि मेरा क्रेडिट कार्ड ATM में स्टक हो गया और फिर कौन से नंबर के ATM में स्टक हुआ, कितने बजे, कौन से दिन पे, और फिर ये सब डिटेल्स वेरीफाई करके इन्होंने मुझे मेरा क्रेडिट कार्ड वापस कर दिया। तो एकदम अच्छा सा, अच्छे से सर्विस मिला, किसी ने मेरे को एक कुछ क्वेश्चन भी नहीं पूछा कि क्या हुआ, क्यों ऐसा क्रेडिट कार्ड स्टक हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम हुआ, या फिर ऐसा मुझे किसी ने सिखाने की कोशिश नहीं की कि ऐसा कैसे क्रेडिट कार्ड स्टक हो गया, तुम्हारी गलती है, हमारी गलती है, ऐसा कुछ नहीं। एक दिन में सर्विस दिया, मैं इन लोग का कस्टमर नहीं हूँ लेकिन फिर भी मेरे को एक एक्सेलेंट सर्विस दिया, एक्सेलेंट एक्सपीरियंस। तो आज के लिए इतना, बस इतना ही, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।